बिहार में लालू प्रसाद यादव गरीब रैला से लेकर कई बड़ी रैलियां आयोजित की हैं और अब उनके पुत्र तेजस्वी यादव भी उन्हीं के राह पर चल पड़े हैं। तेजस्वी अलग हटकर रैली करने वाले हैं और यह बेरोजगारी के मुद्दे पर होगा, क्योंकि 2020 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की थी, लाभ भी मिला, तो वहीं सरकार पर निशाना भी साधेंगे क्योंकि एनडीए ने 19 लाख रोजगार देने की बात की थी। पिछले विधानसभा चुनाव में इसको मुद्दा बनाया, आनन फानन में बीजेपी ने कहा कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। एक साल होने को है, बीजेपी इस पर बात ही नहीं कर रही। भाई जुमला क्या ही, तो जुमलेबाज पार्टी है, इस बड़का झूठा पार्टी ही आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भाजपा के लिए बोला है, तो जुमलेबाज पार्टी तो है ही। ये तो पहले भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि 2 करोड़ नौजवान को देंगे, ख़त्म हो गया, 15 लाख खाता में आ गया, ख़त्म हो गया, महंगाई सीना चीर करके सातवां आसमान भी पार कर दिया। ये तो ये लोगों का सब दिन का रहा है कि वादा कर देते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तेजस्वी यादव जी इस मुद्दे को जीवंत रखना चाहते हैं और जिस दिन भी तेजस्वी सरकार बिहार में बनेगी, पहले कलम से जो हस्ताक्षर होगा पहले कैबिनेट में, वो 10 लाख लोगों को रोजगार देने से होगा। ये मुद्दा है, इसको लेकर बड़ा गांधी मैदान में रैली किया जाएगा। लालू भी करते थे रैली, उससे कितना अलग होगा? देखिए रैली तो राजनीतिक दल करते रहते हैं, हमारी पार्टी ने भी ऐतिहासिक रैली किया है, आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं टूटा है। तेजस्वी के बेरोजगारी रैला को लेकर जदयू का कहना है कि पहले भी विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से आरजेडी ने वादा किया, बिहार की जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, अब फिर से बिहार की जनता को भरमाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन जनता नीतीश कुमार के साथ है और नीतीश कुमार के लिए कोई चुनौती नहीं है। गत विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल ने 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वायदा किया था, लेकिन बिहार की समझदार जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्ट करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पुनः मुख्यमंत्री के कुर्सी पर आसीन किया। राज्य की जनता जानती है कि इन 15 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी सेक्टरों में, सभी क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर राज्य के युवाओं को नौकरी देने का काम किया है। आज भी हम राज्य के युवाओं के लिए वैकेंसी सीरीज में ला रहे हैं, चाहे वो शिक्षक बहाली हो, बीपीएससी बहाली हो, और उनके ज़माने में तो 52वीं से 57वीं तक बीपीएससी में बहालियां नहीं हुई थी। हमारे समय में एक साथ 52वीं से 57वीं हमने एक साथ परीक्षा आयोजित किया, सिपाही बहाली बड़ी संख्या में हमने महिलाओं को और पुरुषों के को किया, सभी क्षेत्र में हम बहाली ले रहे हैं, कर रहे हैं। ये उनके बयान से ऐसा लगता है कि बिहार के नौजवानों को गफलत में रखना चाहते हैं। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के साथ है और नीतीश कुमार जी बिहार की जनता को रोजगार देने में सफल है, कोई चुनौती नहीं है। देखेंगे कि जब भी ये लोग रैली रैला करते हैं तो कितने सारे लोगों को परेशान करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, बहुत सारे वीडियो फुटेज आए हैं इनके कि जितना ये करते नहीं उससे ज़्यादा आम जनता को परेशान करते हैं, तो उसी राह को आगे बढ़ा रहे हैं तेजस्वी जी। अब ये बेरोजगार रैला करने की बात कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि उस रैला में ये जरूर बताएंगे कि बिना 10वीं पास किए लोग करोड़पति कैसे बन सकते हैं, ये सवाल उठता है, और ये जवाब अगर लोगों तक दे देंगे तो ऐसे ही बहुत सारा कल्याण हो जाएगा। वहीं एन सिन्हा शोध संस्थान के प्रोफेसर डॉक्टर विद्यार्थी विकास का कहना है कि बिहार में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, 50 लाख के करीब नौजवान बेरोजगार हैं, 13% से 15% के करीब बेरोजगारी है और नीतीश सरकार के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। बिहार में अगर देखा जाए ओवरऑल जो बेरोजगारी दर है वह 13% है और ग्रेटर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 15% है। बिहार में ओवरऑल देखा जाए तो बिहार पूरे भारत में 9वें स्थान पर है जो बेरोजगारी दर जहाँ बहुत ज़्यादा है। अगर संख्या की बात की जाए तो बिहार में
लगभग 45 से 50 लाख लोग बेरोजगार हैं, जो एक बड़ी संख्या है। खास करके जो ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट में देखा जाए तो बिहार में 8 से 9 लाख लोग बेरोजगार हैं, और हाई स्कूल पढ़े लिखे जो लड़के हैं वह 30 लाख के करीब बेरोजगार दिख रहे हैं। बिहार में युवाओं की आबादी सबसे अधिक है और युवा रोजगार चाहते हैं। तेजस्वी यादव की युवाओं पर नज़र है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भी बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बना था, तेजस्वी यादव को उसका लाभ भी मिला, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, और अब तेजस्वी इस मुद्दे को आगे भी भुनाने की कोशिश में लग गए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की चुनौती बढ़ सकती है। अविनाश, ईटीवी भारत।